मन की बात कार्यक्रम के 113वें एपिसोड का प्रसारण। पीएम ने कहा, देश ने पहली बार नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया। पीएम बोले, देश के युवा राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीति में युवाओं के जोश की जरूरत है। परिवारवादी राजनीति प्रतिभाओं का दमन करती है, युवाओं को सही मार्गदर्शन की तलाश, पीएम मोदी का बयान। रायपुर में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जोनल कार्यालय खुला, गृहमंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। अमित शाह बोले, देश को नशा मुक्त बनाने का है संकल्प, जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ देश को नशा मुक्त बनाएंगे। एकीकृत पेंशन योजना पर बोले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, बीजेपी की अकल थोड़ी ठिकाने आई है। एकीकृत पेंशन योजना पीएम मोदी का ऐतिहासिक कदम है, इससे 23 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने वित्त मंत्री सीतारमन को लिखी चिट्ठी, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से जीएसटी हटाने की मांग की। यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा का बड़ा आरोप, कांग्रेस और सपा ने वक्फ संपत्ति का दुरुपयोग किया। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी बोले, वक्फ की संपत्ति सरकारी नहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी है। यूपी के सीएम योगी का निर्देश, हर जेल पुलिस लाइन और थाने में भक्तिभाव के साथ मने जन्माष्टमी। सीएम योगी ने कहा, जहां जन्माष्टमी का आयोजन हो वहां पूरी सुरक्षा व्यवस्था हो, सफाई का भी इंतजाम रहे। इंदौर में सीएम मोहन भक्तिभाव में डूबे, गोविंदा आलार एक गाना गाए। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा का आज तीसरा दिन, कड़ी सुरक्षा के बीच अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। छतरपुर में हुए बुलडोजर एक्शन पर भड़के ओवैसी, कहा मध्य प्रदेश में स्टेट स्पॉन्सर्ड कम्युनलिज्म।